हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो है स्विमिंग से पहले क्या क्या करना चाहिए, स्विमिंग के बाद क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें मैं कवर कर लूँगा कि क्या खाना चाहिए स्विमिंग के बाद, हमारा कलर नगारा हो, कौन सा टाइम पे स्विमिंग करनी चाहिए और कौन सा टाइम बेस्ट है स्विमिंग करने के लिए, स्विमिंग के बाद क्या करें, स्विमिंग से पहले क्या करें। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बंदे दोपहर में जब सूरज होता है तब स्विमिंग करते हैं, मतलब कि कई होते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद करते हैं, कई अर्ली मॉर्निंग करते हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूँ कि जब भी आप स्विमिंग में जाते हो, अगर आपने वेट लॉस करना है तो आप स्विमिंग करने से पहले कुछ मत खाओ, ठीक है, आपको ऐसे ही रहना है, ठीक है। उसके बाद अगर खाना भी है तो आपको 2-2.5 घंटे पहले खाना है, ठीक है। ये उनके लिए भी है जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी 2-2.5 घंटे पहले खाना चाहिए, मतलब कि सबको मतलब कि पहले ही खाना चाहिए। पर अदरवाइज़ कोई नॉर्मल स्विमिंग स्टार्ट की है तो वो 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले खा सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जब भी आप स्विमिंग में जाते हो तो स्विमिंग के क्या कहते हैं, जाने से अंदर पहले आपने अच्छे से शावर लेना है। शावर इसलिए लेते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर हमारे जो भी डस्ट होती है वो अच्छे से निकल जाती है, और दूसरी बात कि हमारी स्किन साफ़ हो जाती है। फिर हम पानी में जाते हैं तो पानी का क्लियर, जो हम स्विमिंग करते हैं तो हमें पसीना आता है, जो रोम्स खुलते हैं उसमें हमारा जो गंदा, जो हमारी बॉडी की गंद होती है, डस्ट होती है, वो अंदर नहीं जाती, ठीक है, बॉडी एकदम क्लियर रहती है। दूसरी बात, जब आप स्विमिंग से बाहर आते हो, स्विमिंग करते समय जब आप कंटिन्यू राउंड मार रहे हो, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो तो साथ में आप नींबू पानी पी सकते हो। नींबू पानी में आपने क्या करना है, मीठा नींबू पानी बनाना है, जैसे कि चीनी और नमक डाल के जो बनाते हैं नींबू पानी, वो वाला बनाना है, ठीक है। उसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना, ज़्यादा बर्फ़ नहीं डालनी, उसको नॉर्मल पानी में रखना है, और नॉर्मल पानी में, और उसको एक दो मतलब कि क्यूब डाल सकते हो बर्फ़ के, उसको ना आप जैसे थोड़ी प्रैक्टिस की, फिर आधे घंटे बाद एक सिप मार लिया, फिर मतलब कि थोड़ी देर बाद आपने सिप पी जाना। रीज़न क्या होता है कि पानी में पानी की कमी हो जाती है, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि पानी में हमें पसीना आता है और हमें नहीं पता चलता, क्योंकि पानी में हमारे पर टेम्परेचर थोड़ा डाउन ही रहता है, ठीक है। बट जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं उनको पसीना आता है तो हमें पानी में नहीं पता चलता, ठीक है। तो आपको पानी भी साथ के साथ नींबू वाला पीना है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कई स्विमिंग करके हटते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि कईयों को चक्कर आते हैं, कईयों को घबराहट होती है, यही कारण होता है कि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण गर्मी में दिक्कत हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि आप सपोज करो आप स्विमिंग कर रहे हो या बाहर कॉस्ट्यूम चेंज कर रहे हो तो आपको बाहर ही काफ़ी पसीना आ जाता है, ठीक है। याद रखना है कि आप स्विमिंग करते समय सिर्फ एक एक सिप आप मतलब कि 10-15-20 मिनट के बाद एक सिप मार सकते हो नींबू पानी का, या फिर अगर नींबू पानी नहीं पीना तो आप ग्लूकोन डी पी सकते हो, ठीक है। पानी में जाने से पहले उसको चाट भी सकते हो, उससे क्या होता है एनर्जी आ जाती है, ठीक है। नींबू पानी क्या करता है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी का लेवल डाउन होता है वो अप कर देता है, जिसके कारण आपको घबराहट नहीं होगी और चक्कर नहीं आएगा। दिन में आप 2-3 बार आप नींबू पानी पी सकते हो तसल्ली से, ठीक है। वैसे एक बार ही पीना, ज़्यादा मत पीना, ज़्यादा भी नींबू पानी नुकसान करता है। तो गन्ने का रस भी पी सकते हो, जो भी आपके लिए प्रेफर है, फ़ायदा ही है गन्ने का रस। पर आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, कोल्ड ड्रिंक में हाई शुगर होती है, जिसका कोई भी 2 रुपये का बेनिफिट नहीं होता, ठीक है, और हमें मोटापा बहुत ज़्यादा चढ़ता है। अगर आपने वेट लूज़ करना है तो याद रखना है, सबसे पहले आपने छोड़नी है कोक सबसे ज़्यादा पहले छोड़नी है। अगर आपको फिर भी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है तो आप लिमका में हल्का सा नींबू और नमक डाल के पी सकते हो, ठीक है, मतलब कि लेमन सोडा बना के पी सकते हो, मतलब कि आपका भी जुगाड़ हो जाएगा और सारा कुछ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, और क्या करना है, जब भी आपने दिन में स्विमिंग करनी है तो फुल बाजू कॉस्ट्यूम करना है, खुद फुल बाजू कॉस्ट्यूम डाल के आपने नहाना है। रीज़न क्या होगा, फुल बाजू कॉस्ट्यूम में आपकी पूरी बॉडी ब्लैक नहीं होगी, जो अंग बाहर है वही ब्लैक होंगे। रीज़न क्या मैं बता देता हूँ, हल्का सा फेस काला हो जाएगा और हाथ काले हो जाएंगे जो आपके बाहर है, या फिर थोड़े से पैर, अगर आपने फुल कॉस्ट्यूम डालोगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अदरवाइज़ आपका कोई स्विमिंग पूल में इतना नुकसान होता नहीं है कि आपका रंग काला होता है, जब आप स्विमिंग छोड़ोगे ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, पर धूप में ज़्यादा जल्दी काला होता है, मतलब कि आप देख सकते हो कि अगर आप धूप में 1 घंटा स्विमिंग की है और शाम को 3 घंटे स्विमिंग की है तो वो दोनों का फ़र्क एक जैसा होगा। और दिन में क्लोरीन का असर ज़्यादा होता है, क्योंकि क्लोरीन हमेशा रात को छोड़ी जाती है, रात को छोड़ देती है और पूरा रात वो क्लोरीन वाला असर ऐसे रहता है, और दिन में और सुबह सबसे ज़्यादा होता है। और दिन में क्या होता है, दिन में धूप की वजह से क्लोरीन उड़ जाती है, ठीक है, तो जिसके कारण शाम को उसका असर बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। अगर आपके पेट में पानी चला जाता है, अगर आप पानी पी लेते हो गलती से, स्विमिंग पूल का पानी केवल हो जाता है कि पेट के अंदर चला जाता है, तो आपने क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ज़्यादा मेडिसिन नहीं खानी, ये बात याद रखना कि मेडिसिन ज़्यादा नहीं खानी, हल्की सी मेडिसिन लेनी है, जिसके कारण आपको जो ज़्यादा साइड इफेक्ट होगा, जैसे क्या होता है कि स्विमिंग का पेट के अंदर पानी चला जाए तो आपको फीवर हो सकता है, ठीक है, और आपको दस्त लग सकते हैं, ये ज़्यादा साइड इफेक्ट रहते हैं। और क्या होता है कि कईयों की बॉडी के इचिंग भी होती है, मतलब कि कईयों को क्या होता है स्विमिंग पूल से पानी की एलर्जी से इचिंग होने लग जाती है, उनके लिए यही सलाह है कि आप जब बॉडी मतलब कि स्विमिंग पूल में जाते हो तो लोशन लगा सकते हो, कोई भी जो बॉडी लोशन होता है,
ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी स्किन थोड़ी ऑयली ऑयली रहेगी, क्योंकि रफ स्किन होती है, क्लोरीन जो होती है आपकी जो तेल सा होता है, चिकनाहट होती है, वो काफ़ी सोख लेती है, जिसके कारण रफ़ होने के कारण हमारे इचिंग होने लग जाती है। ठीक है, ये चीज़ रखना है। और बाहर आने के बाद आपने सोप से, साबुन से, जिससे भी नहाना है, एकदम अच्छे से नहाना है, बाल अपने अच्छे से साफ़ कर लेने हैं, फेस अपना अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपने स्विमिंग करने के बाद आपने बाहर आना है, तो आपने स्विमिंग से तुरंत बाहर आके आपने शावर जरूर लेना है। अगर आपने वेट लूज़ करना है तो आपको तुरंत खाना नहीं है, कम से कम 2 घंटे के बाद खाना है अगर आपने वेट लूज़ करना है। ठीक है, अगर आपने वेट बढ़ाना है तो स्विमिंग के तुरंत बाद आप खा सकते हो, मतलब कि शावर लिया उसके बाद आपने हल्का फुल्का जो खाना है खा सकते हो, उससे आपका वेट गेन होगा। मतलब कि आपने जैसे ही आप एक्सरसाइज करके हटोगे तो आपकी बॉडी प्रोटीन मांगेगी, जब आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा तो आपकी बॉडी में ताकत आएगी और आप में एनर्जी भी आएगी। जिन्होंने वेट लूज़ करना है वो स्विमिंग करने के बाद उतना ही खाएं जितना कि उनकी बॉडी को सिर्फ एनर्जी मिले और फैट ना मिले। ठीक है, जिन्होंने फैट डालनी है तो वो अपनी बॉडी में अच्छे से दूध, अंडे, मतलब कि दबा के खाओ, ठीक है, जो ताकत वाली चीज़ है। अगर आप दूध अंडे नहीं खा रहे, आप पनीर, चने, ये चीज़ खा सकते हो, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, दिन में लस्सी जरूर पिया करो, दही की बना के, क्योंकि लस्सी कुछ और काम करती है, दही कुछ और काम करता है और दूध कुछ और काम करता है। अगर लस्सी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा काम करती है गर्मियों में, लस्सी इंपॉर्टेंट होती है। और आप दही जमाओ एक कटोरी, उसको घुमाओ अच्छे से, मक्खन निकालो अलग, लस्सी पी जाओ और रोटी के साथ मक्खन खाओ, मतलब कि नज़ारे लो। ठीक है फ्रेंड्स, यही कुछ टिप्स थी जो मैं आपको बताना चाहता था, इनको आप एक लाइन में मैं समझा देता हूँ। जिन्होंने स्विमिंग करनी है वेट लॉस के लिए, उनको 2 घंटा पहले लाइट फूड लेना है, मतलब कि आप लाइट फूड में ले सकते हो, सैलड ले सकते हो, ठीक है, सोया पनीर हल्का सा ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, हल्का सा मतलब कि कम क्वांटिटी में, जिसमें आपके में एनर्जी आ जाएगी और फैट बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद या फिर एक सैंडविच खा सकते हो ब्राउन ब्रेड का सोया पनीर के साथ, मतलब कि उसमें सैलड डाल के या थोड़ा जुगाड़ मिनट डाल दिया ना अपना वो वाला डाल के, जो जो आपको टेस्ट लगता है। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ भी डालो उसमें, चीज़ वो जो होती है पिज़्ज़ा चीज़ होती है वो नहीं डालनी है। आपने कोशिश करनी है कि आपने मीठे से थोड़ा कम करना है अगर आपने वेट लूज़ करना है स्विमिंग में। ठीक है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। स्विमिंग में वेट कैसे लूज़ होता है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, जिनको स्विमिंग नहीं आती उनके लिए भी बनाई हुई है, उन्होंने वेट कैसे लूज़ करना है, स्विमिंग भी सीख रही है साथ साथ वेट भी लूज़ कैसे करना है साथ साथ, मतलब कि दोनों चीज़ें एक साथ। ठीक है, उसके बाद मुझे कमेंट आया था कि व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली कमेंट किया था कि स्विमिंग के 2 घंटे के बाद रेस्ट करने के बाद मैं जिम कर सकता हूँ। भाई अगर तुम स्विमिंग कर रहे हो तो आपको जिम करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ आपको रनिंग करनी चाहिए। रनिंग और स्विमिंग का थोड़ा अलग रहता है, अगर आप कंटिन्यू स्विमिंग कर रहे हो और रनिंग नहीं कर रहे हो तो क्या होता है कि हमारे जो रनिंग करते हैं ना उसमें थोड़ा दिक्कत आती है कि हम थोड़े नीज बैंड होने लग जाते हैं, और ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है। मैंने 6 महीने कंटिन्यू स्विमिंग की और मैं एक दिन फुटबॉल खेलने चला गया, जब मैं भागा तो मेरे से भागा नहीं गया, मतलब कि तेज नहीं भागा गया, नॉर्मल तो चला जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रनिंग के साथ स्विमिंग के साथ रनिंग कंटिन्यू रखनी है, मतलब कि कोशिश करो कि आप दिन के ग्राउंड के 2 राउंड मार लो, अगर 2 राउंड नहीं मार सकते हो स्विमिंग पूल के 2 या 4 राउंड मार लो तो बेनिफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी होगी, अगर टिप्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं धूप में खड़ा होकर मतलब कि पसीना आ रहा है मुझे, क्योंकि समझ रहे हो, अरे मैं पानी में बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि पानी में दोपहर में नहाने में मतलब कि बहुत ज़्यादा काला हो जाता हूँ मैं, काला शाह काला। तो फ्रेंड्स यही थी कुछ टिप्स, और अगर मैं कुछ भूल गया हो तो मुझे माफ़ कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ हैशटैग करके जरूर बताना कि हैशटैग इस ऊपर वीडियो बनाओ, पर मेरे चैनल पे आप जाके देख लिया करो पहले कि उसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है, पार्ट मेरे पहले भी है स्विमिंग कैसे सीखे पार्ट 1, 2, 3, बाकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी मेरी इस साल की भी और पिछले साल की भी आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी टेक्निकल लवली मनी को भी सपोर्ट करते रहें, और जो मैंने समझाया शायद आपको समझ आ ही गया होगा, शायद क्या पक्का समझ में आ गया होगा। और बस यही थी आज के लिए टॉपिक, मुझे काफ़ी पूछते हैं कि बॉडी के ऊपर क्या लगाएं क्या ना लगाएं, मैं तो आपको देसी मतलब कि मैं ऐसा हूँ थोड़ा कि मैं दवाइयों से मेडिसिन से दूर रहता हूँ, और जो क्रीमें करूँ मैं, पाउडर है, शैम्पू मैं कभी शैम्पू नहीं करता सिर पे, और मैं जो क्या कहते हैं एक देसी साबुन आता है कपड़े धोने वाला मैं उससे करता हूँ, तो जिस उसके कारण ना तो बाल सफ़ेद होते हैं, बाल मतलब कि डार्क मतलब कि क्या कहते हैं उसको घने भी होते हैं, और मेरे लिए वही सूट करता है, मुझे देसी चीज़ सही रहती है क्योंकि पहले ज़माने में भी देसी ज़्यादा करते थे ज़्यादा बढ़िया रहते थे। ठीक है, उसके बाद बॉडी में अगर आप सरसों का तेल लगा लो तो हालांकि ब्लैक होएगी पर वो बहुत बेनिफिट रहती है, कच्चा तेल जिसको कहते हैं हम सरसों का कच्चा तेल। ठीक है, वैसे आप बॉडी लोशन लगा सकते हैं ऐसा कोई है नहीं, पर मैं सरसों का तेल लगाना प्रेफर करता हूँ कि अगर आपने मालिश करनी है हल्का सरसों का तेल लगा के मालिश करके आप पानी में उतरे होगे, देखना आपकी इचिंग नहीं होगी और आपकी स्किन भी खुश्क नहीं होगी, ये चीज़ आप नोट रखना। ठीक है, और रंग थोड़ा सा काला हो जाएगा वो बात अलग है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप गौर से देखते हो सारा पार्ट
बस और कुछ नहीं है मेरे पास बताने के लिए। और डाइट में छोटे बच्चों को भी जो नॉन वेज खाते हैं तो एग्स एक जरूर दिया करो। गर्मियों में पीला पार्ट नहीं, बिल्कुल नहीं देना, बल्कि एक एक अंडे का आधा पार्ट दे सकते हो छोटे बच्चों को जो 3 से 4 साल का या 5 साल का है। बड़े बच्चे को आप एक एग का पार्ट दे सकते हो। वैसे कि बॉडी एक टाइम पे सिर्फ 2 अंडे का पीला पार्ट बचाती है और ज़्यादा नहीं बचा सकती, बाकी वो जो प्रोटीन होती है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देती है। पर वाइट हिस्सा प्रोटीन वाला वो काफ़ी बढ़िया रहता है, आप वो आप खाओगे तो वो उसी हिसाब से पच जाएगा। बाकी बॉडी एक टाइम पे सिर्फ 30 से 35 ग्राम प्रोटीन खींचती है, उसके बाद नहीं खींचती, बल्कि 2 घंटे के बाद खाओगे। इसीलिए कोई भी जिम करता है या कोई भी एक्सरसाइज करता है तो कोच उसको स्पेशल यही बताता है कि एकदम आपने प्रोटीन नहीं लेनी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन लेनी है। मतलब कि क्या होता है कि जो प्रोफेशनली होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे दिन चढ़ते हैं, मतलब कि पूरा दिन खाते हैं। कैसे खाते हैं, अब सपोज़ करो उन्होंने स्विमिंग की है, ठीक है, उन्होंने लाइट फूड ले लिया, जैसे कि 100 ग्राम चिकन ले लिया या 100 ग्राम पनीर ले लिया या दूध का एक गिलास ले लिया साथ में, ठीक है, वो ले लिया, पीनट बटर ले लिया, ठीक है, वो चीज़ खा ली, उसके 2 घंटे बाद सैलड खा लिया, उसके 2 घंटे के बाद उन्होंने क्या कहते हैं चने खा लिए। ये ऐसे प्रोटीन लेने का ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अगर आप सोचोगे कि एक दिन में मैंने 60 ग्राम प्रोटीन बॉडी में डाल दिया, अब 60 ग्राम प्रोटीन मिल गई है ना, बॉडी ने एक टाइम पे जितनी प्रोटीन उठानी है उतनी उठानी है, बाकी उसने वेस्ट कर देनी है। तो जितना कम खाओगे उतना ज़्यादा लगेगा। कम खाने का मतलब ये नहीं है कि एज के हिसाब से वेट के हिसाब से खाना होता है। तो छोटे बच्चे को, जो छोटा बच्चा रहता है 8 से 9 से 10 साल का, जैसे कि चिंटू को देखा जाए, उसको अगर वो स्विमिंग कर रहा है तो उसको प्रोटीन चाहिए 100 ग्राम, मतलब कि 100 ग्राम से 80 ग्राम 90 ग्राम के बीच में चाहिए, अगर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहा है तो, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो उसको 60 से 50 ग्राम के अंदर प्रोटीन चाहिए नॉर्मल, अगर वो कुछ नहीं करता तो। तो फ्रेंड्स यही चीज़ों का ध्यान रखना, और आज की वीडियो इतने काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। और वीडियो बताना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप में, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबका लिंक है, सब पे जाके मुझे फॉलो कर लो, लाइक कर दो, जो करना अपने कर दो, और बस नेक्स्ट हैशटैग करके बता देना। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, वॉच द वीडियो।